छतरपुर जिले के मौराह में जमीनी विवाद को लेकर दो परिवारों में जमकर विवाद हुआ और दोनों परिवारों के कुछ लोग घायल हुए हैं। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम मौराह में सुबह 9:30 बजे सामने आया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस मामले में एक पक्ष पर धारा 323, 294, 506, 34 IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रेम कुमारी अहिरवार की पुत्री क्रांति अहिरवार ने बताया कि सुबह जब उनकी माँ पानी भरने के लिए गईं, उसी दौरान वाद विवाद शुरू हुआ। वाद विवाद इतना बड़ा कि दूसरे पक्ष ने लाठी चलाना शुरू कर दिया। इस हमले में प्रेम कुमारी, उसके परिवार के दो सदस्य रोहित अहिरवार और राहुल अहिरवार जख्मी हुए हैं। इस मामले में कमलेश अहिरवार और कौशल्या अहिरवार सहित रश्मि अहिरवार को आरोपी बताया गया है। घायलों को छतरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह 9:30 बजे की बात है, मेरी माताजी पानी भरने जा रही थी तो मेरे चाचा जी जो है ना गाड़ी वाली देने लगे, तो एक बेरी लगी हुई थी बिहार पे, तो उन्होंने काटी। मेरी माता जी ने कहा तो हटा देते, तो वो कहें नहीं हटाने, माँ बहन की गाली वाली देने लगे। तो मेरा भाई माई तो मैं था नहीं उस समय स्पॉट पे, थोड़ी देर बाद आया तो झगड़ा वगड़ा मचा हुआ था। तो वो कहने तो जमीन वमीन तुम लोग हम देंगे नहीं, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बाप की नहीं है, हमारी जहाँ मर्जी हम हाँ काट के बेड़ी डालेंगे। तो मैं जहाँ से निकलना है निकलूँ, तो वो मारपीट करने लगे। एक कमलेश अहिरवार और कौशल्या अहिरवार, उनकी लड़की थी एक लक्ष्मी अहिरवार और एक लड़का था छोटा सा भूरा अहिरवार। हमारी माता जी को उन लोगों ने मारा है और सब लोगों ने मिलके जमीनी जमीन पे अवैध कब्जा करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मतलब तुमको कुछ नहीं मिलेगा और सिर्फ तुम लोग यहाँ से भागो, निकलो यहाँ से। हमारे तीन लोग, हमारे दो भाई, मम्मी हमारी, हमारी मम्मी को वो हमारे दादा के नाम है, लेकिन दादा मतलब वो ज़्यादा मतलब वो नहीं है, मतलब चल फिर नहीं पाते। तीन पाँच छः लोग थे वो लोग, सब लोग, दो चाचा थे हमारे और हमारी मतलब चाची और मतलब दो चाचियाँ, सब लोग। हाँ, थाने में रिपोर्ट तो हो गई है, लेकिन मतलब कोई अच्छी धारा आ रहा, उन्होंने कुछ केस नहीं बनाया अच्छे से।